हे गाइस, वेलकम टू ट्रेवल ट्रीज। कैसे हैं आप? तो आज हम हैं अमृतसर में, शहर नहीं भाई, अमृतसर रेस्टोरेंट में, जो है करामा दुबई में। यहाँ पे सारे नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाता है, पंजाबी, टिपिकल पंजाबी नॉर्थ इंडियन फूड। तो आज हम यही ट्राई करने आए, तो चलो देखते हैं। गाइस, दिस इज द रेस्टोरेंट। ये तो बहुत ही अच्छे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये रेस्टोरेंट एम्प्टी लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। तो हमने चूज़ किया नीचे बैठने के लिए, ताकि आराम से रिकॉर्डिंग भी हो जाए और ज़्यादा शोर भी ना हो। तो गाइस, ऑर्डर तो दे दिया हमने, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने एक्साइटेड थे इस जगह को लेके कि हमने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया। अब देखते खा पाते हैं कि नहीं। खाना तो पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो पार्सल ले जाएंगे आपको। व्हाट यू से? हाँ, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। और मैं तो आपको पता है, मैं कभी वेस्ट तो कुछ करती नहीं, तो मैं तो सब खा लूँगी। हाँ, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम के बाद एक प्रॉपर अमृतसरी पंजाबी खाना खाने को मिला है, तो भाई मैं तो रज के खाऊंगी। ये रज के खाएगी, मतलब इन बॉम्बे आइटम दबा के खाएगी। तो ये वेटिंग फॉर इट। थैंक यू, सॉरी आई डिस्टर्ब फॉर ए ब्लॉग। ओह, नो एट ऑल, नो एट ऑल। गाइस, कुछ इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएं। तो ये रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से कुछ तकरीबन 1-2 साल पुराना ही है यहाँ पे, लेकिन ये रेस्टोरेंट काफ़ी शहरों में दुनिया भर के आए हैं। इट्स इन बैंकॉक, फुकेट एंड दुबई। ये रेस्टोरेंट का डेकोर और एम्बियंस इतना अच्छा है, आप ग्लास ही देख लीजिए, मस्त इन्होंने प्यालियाँ दी है। प्याली में पानी है? हाँ जी, प्लीज़ पानी है और कुछ नहीं, ऐसे दिखते ही रहेगा, ऐसे पानी ही है। हाँ जी, पानी ही है। पानी ही है। थैंक यू। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स क्वाइट हॉट। ये हमारी सबसे पहली डिश है पाया सूप। ये हमने लास्ट मिनट तो ऑर्डर किया, इसे देख बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। देखते हैं खाने में कितना टेम्पटिंग है, अरे खाने में कितना अच्छा है। काफी फ्लेवरफुल है। काफी स्पाइसी भी है, तो ऑफ कोर्स स्पाइस को होना ही चाहिए। मजा आ गया। तुम्हें स्पाइसी लगा? माइल्ड स्पाइसी है, माइल्ड। मुझे फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगे। कोरिएंडर का फ्रेशनेस इतना अच्छे से आ रहा है, बहुत बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं, और फिर ब्लैक पेपर का भी, सो इट्स नाइस। टूट गए, हड्डी भी चबा जाएंगे। ये है मेरी वेज थाली, तो ये है नॉर्मल रायता, और ये है मिक्स हरियाली पनीर की सब्जी है, कॉर्न्स है, और ये है बटर पनीर, ये दाल मखनी, गुलाब जामुन, और ये नॉर्मल राइस, और इसके साथ हमें मिले हैं लच्छे पराठे और पापड़, ये है मिंट की चटनी, और ये सिरके वाले प्याज, और ये है मेरा बटर चिकन, और साथ ही साथ पराठा। तो ये मैं तो शुरू करूँगा बटर चिकन और पराठे से, और ये मैडम एज यूजुअल अपनी थाली ट्राई कर रही है। हाँ जी, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे थाली इसलिए पसंद आती है ऑर्डर करने को, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में काफ़ी वैरायटियाँ मिल जाती हैं, तो आप
बहुत ज़्यादा डिशेस ट्राई कर सकते हो, तो इसलिए मैं हमेशा थाली प्रेफर करती हूँ। ये सब्जी बहुत अच्छी है, मिक्स सब्जी है ये, हरे मसाले में, और इसमें थोड़े कैरेट्स हैं, बीन्स हैं, कॉर्नज हैं, पीज हैं, बट टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगेन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, बहुत माइल्ड है और क्रीमी है, इसमें मेरे ख्याल से क्रीम भी डाला हुआ है, तो बहुत क्रीमिश है, तो बहुत अच्छी है। वो बटर चिकन तो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही है, फ्लेवरफुल है काफ़ी, और कोई भी फ्लेवर बहुत स्ट्रांग नहीं है, जैसे बटर चिकन होना चाहिए वैसे ही है। दाल मखनी इज रियली अमेजिंग, एकदम जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्मोकी फ्लेवर फ्रॉम दाल मखनी, ऐसे ही है, बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मुझे हरियाली सब्जी से दाल मखनी ज़्यादा पसंद आ रही है। क्या बात कर रहे हो, जैसे भी बोलते हैं ना पंजाबी का मेन डिश होता है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है दाल मखनी से, तो चलिए ट्राई करते हैं। अगेन बहुत अच्छा क्रीमी है, और बटर का टेस्ट तो भाई वाह, फुल बटर का टेस्ट आ रहा है एंड क्रीमी है, एंड अगेन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, विच इज़ गुड। इसका पराठा भी बहुत अच्छा है, आमतौर पे एक पराठा ऐसी चीज़ होती है जो बाकी सब चीज़ों के साथ गुम हो जाती है, इनका जो पराठा है लच्छा पराठा वो खुद में ही बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट ये फ्लेकी, बहुत अच्छा है। ये देख रहे हो पराठे के छिल्ले कैसे निकल रहे हैं, और एकदम क्रिस्पी है खाने के लिए और सॉफ्ट है, बहुत अच्छा। और ये पनीर मखनी मैं कब से सोच रही थी, ये थोड़ी मीठी है और स्पाइसी है कंपेयर टू बाकी सब सब्जियों से, ये थोड़ी स्पाइसी है, विच इज़ अगेन नॉट बैड बट गुड, जो स्टैंड आउट होती है ये वो है सब्जी जो थोड़ी स्पाइस में ज़्यादा है कंपेयर टू अदर से, बट रियली नाइस। दाल मखनी इज द लाइक मैन ऑफ द मैच, माय फेवरेट दाल चावल, पर हाथ से खाने का तो मज़ा ही अलग है, बिल्कुल दाल चावल तो हाथ से ही खाना चाहिए, मुझे तो अब तक सब अच्छा लगा, मैं तो उतने में फुल हो चुका हूँ, मुझे पहले से ही डाउट था इतना सारा हमने एक्साइटमेंट में मंगा तो लिए लेकिन खा नहीं पाएंगे, दो खैर इतना खा सकते हैं उसके बाद बाकी का जो है पास वेस्ट कुछ नहीं करना। खैर इनका तो वैसे भी चीड़ी जैसा खाना होता है, थोड़ा खाते मंगाते दुनिया भर का खाते इतना है, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ नेक्स्ट। ये मैंने मेरी पूरी थाली गप पकड़ गई साफ सफा चट, एट लास्ट मेरी थाली एकदम सफा चट पूरी साफ। थाली नहीं मंगाई थी तुमने, तुमने थाली नहीं मंगाई थी, थाली मैंने मंगाई थी जो मैं अभी तक खा रही हूँ, उन्होंने मंगाया था बटर चिकन और रोटी जो वो भी पूरा खा नहीं पाए। हाँ तो बाकी घर ले जाऊँगा बाद में खाऊँगा थोड़ी। और फाइनली गाइस एंड ऑफ द मील गुलाब जामुन, तो इतना फुल हो फुल टाइट, आई मीन टू से खाना खा गया टाइट, ये तो यदि बोलेगी थोड़े टाइम में। हाँ टाइट का मतलब कुछ और होता है, खाना खा के भी टाइट होता है। मैडम की थाली दिखेंगे, मैडम की थाली, मेरी नो वेस्ट पॉलिसी होती है तो इसमें मैं कुछ नहीं बचाती हूँ, सब खा जाते हैं सब कमाना, और मेरा दिमाग भी खा जाता है, वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर किसी ने रिव्यू करेंगे।
तो गाइस आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा है और मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा आप क्योंकि खाना चाहे तो ज़रूर उसे ट्राई कीजिए। टिपिकल नॉर्थ इंडियन फूड ये एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ऑफकोर्स नॉन ही अमृतसर रेस्टोरेंट है और एक्सपेक्टेशन यही है कि बढ़िया नॉर्थ इंडियन पंजाबी फूड मिलेगा और ये अपने एक्सपेक्टेशन में पूरी तरह खराब हो गया। सारी डिशेस ऑलमोस्ट हमें पसंद आई, कोई भी कमी नहीं थी किसी डिश में और जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही हुआ, तो आप तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग ट्रैवल ट्रीट्स। बाय।